बावंदी सारी बात हो गई, विधानसभा दोबारा रन करने लग गई, जिक्र सुनारी सफल होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा। मैं गया था कोई काम के लिए, सीएम ने पूछा कि आप रुकना एक बार एमएलए साहब बात करें। मैं घंटे डेढ़ घंटे मैंने वेट करा सीएमआर में गप्पे सप्पे लताड़ी लोगों के साथ। दोबारा फोन आया कि बलवान जी को लेके आओ। मैं गया सीएम साहब के पास, बताओ सर कि मैं इतने लंबे 40 साल के राजनीतिक अनुभव में पहली बार किसी आदमी का कायल हुआ हूं। मेरे बहुत राजनीति में लंबे दोस्त रहे, बड़े लंबे शागिर्द रहे, माड़ियों के 40 घर नहीं है पूरे राजस्थान में, और मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री हूं। तू आज ये कहेगा कि मुझे ये चाहिए, मैं वो दूंगा। बता तेरे को क्या बनाना, बता तेरे को क्या बनाना है। मैंने कहा साहब मैं था मेल नहीं रेडू तो मैं तो की बरबर हूं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्री। कूड़ मारू ही बोली, मैं तो मांग ही एक करके एमएलए बने हो कि राज नहीं आवाज चाहिए। मैं तो राजस्थान की विधानसभा में आवाज बनाऊ और आवाज बनूंगा। साहब ये बात करते थे, मैंने डेढ़ घंटा बिठाया रहा कि मार ही दिया। मैं सोचू बेटा कितनी जोर की बात है। जब मेरे को यूं बोले इसके पर्ची बदलते बदलते कांग्रेस था हाथ में, बोले मेरे पास इतने एमएलए आते हैं और इतनी सिफारिशें करते हैं कि हमें मंत्री बना दो, मैं तेरे न्यूनी निकाल रहा हूँ, तू करे मेरे बढ़ना ही। मैं कहना साहब वोट ही कौन मान गया, मैं तो वोट ही आवाज उठाने का मान गया। तू तो साल पड़ी है ढाई, मेरी को झंड मारो देनी ना काम मैं तो साहब मुड़की सी बात ही ना करी हूँ। बोले ठीक है भाई, कॉफी पी दोबारा आ गया। मैंने काम लिखिए देता गया, वो करते गए। मैंने कोशिश करी मेरी तहसील को मैं ऐसे काम करा दूं जिसे लोग मेरे लिए वोट मांगने जाए तो कोई ये नहीं कहे बलवान ने वोट क्या कहा। ये करी है कल सुबह सुबह, आज ये मार्ग के सुबह सुबह भी हमें मुंसरी हूं। लास्ट प्रोग्राम में ओम कुलड़ी को माला गलवाई, ओम कुलड़ी माला गली जो सर पत्न रान ओण मोदी हो सुरेंद्र आर्य ओण मोदी हो कह सरपंच ऋषि पाल अर संजय राम वोट कौन मांगियो बलोक में बाई इलेक्शन हो 60 वोट में घरे रख लिया बलवान को ना क्या वोट देने जी खोल गए। बीजेपी आ गई बाई इलेक्शन मारे लिए सेमी फाइनल है। ये भी मजबूती हूँ लड़ू आसातिया बहुत जोर को चुनाव कर, हालांकि मैं तहसील ने थोड़ा बोले कर लिया। नेपाई इलेक्शन 505 वोटों में लिया, लेकिन ओम कुलड़ी आबाद कई में एक सबक लेना है थाने सारा। कोई आदमी आ ना कह दे बलवान पुनिया वोट तो ध्यान कोई मंगन बनी है आन ओण मंगी होगा शाबाशी तो दी कहते भाई इलेक्शन जितायो और ओण मोदी हो कह ए मेरे को वोट मांगने को नहीं आया इब कह आ गया तो आप पकड़ मारा और दबके नहीं सके देना वोट। आज 10 दिन पहले कह कहता कि पार्टी कमजोर है। एक तो अर्जुन जी प्रोग्राम करो काल परसू पार्टी आगे टिपा दी राजा माल के ठोक्यो 36 बिरादरी के लोगों भाई जय सिंह है नेतृत्व तो में प्रोग्राम है जैसे भाटी की बाजी सब सबोटा हुआ क्या पार्टी और मारा जो लोग चार प्लस कर दिया। चुनाव देश में चर्चा है बादरा विधानसभा क्षेत्र जिस दिन काले कानून आए थे देश भर में चर्चा हुई थी। बलवान पुनिया ने एक खड़ा होकर के कहा था विधानसभा के कानून इसलिए काले कि तुम्हारे मंडी बेच दोगे लोग दाने कहां बेचेंगे, तुम जमीन खोज लोगे लोग खेती कैसे करेंगे, तुम ये बाजार अडानी अबाणी के हवाले करना चाहते हो इसलिए कानून काले।
मैं उस अंदाज में दोबारा विधानसभा में बोल सकता हूँ, चौक में बोल नहीं सकता, जैसा साउंड नहीं है। मैंने ऐसी धमाकेदार बात कही कि पूरे हिंदुस्तान में वो भाषण मीडिया ने करोड़ों लोगों ने सुना और लोग खड़े हो गए। मैं डैम देखने गया था पंजाब, मेरे से 50 जगह रस्ते में लोगों ने गाड़ी रुका के सेल्फी ली, कहे वो बलवान जिसे 88 के काले कानून लागू नहीं होने देंगे तो छीने से गोली खावांगे। दोस्तों उस दिन से दिल्ली की निगाह है बागरा में, 4000 में लें देश में। आपको तो मैं भाषण रोज सुनाता हूँ तो आपको लगता है ठीक है भाषण जोर को दे काम रहे, पर जिन लोगों ने पहली बार सुना उनके लिए तो नायाब चीज थी ना। एक आदमी ने इस्तीफा दिया पूरे हिंदुस्तान में, इलाहाबाद के एमएलए अभय सिंह, और एक आदमी ने खुल करके बोला में सारे कहते थे तुम्हारे काले कानून है तुम्हें ये वापस देने पड़ेंगे, कानून काले ही है। कहते कानून बड़े सफेद है, कुछ बार कहते काले क्यों है, काले क्यों लेने पड़ेंगे, क्या हमारी जिंदगी पर असर आएगा, ये बात ठोक करके हमने कही। और उसने दिया इस्तीफा। इलाहाबाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो पूरी हरियाणा की ताकत लगा दी उन्होंने, 150 करोड़ से ऊपर रूपये खर्च करे अपने गए अकेले पूरे हिंदुस्तान से, उनके बाप दादा प्रधानमंत्री रहे, बहुत सारी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन था। कोई सिंगल एमएलए एमपी नहीं आया जीतता हुआ पैर भी करने के लिए, हम गए। अभय सिंह के लिए नहीं गया मैं, अभय सिंह ने जो बड़ा काम करा किसानों के लिए, अगर अभय सिंह हार जाता तो हम तो 2.5 साल पहले 2 साल पहले इलेक्शन हार जाते। मैंने ये कहा मैं अभय सिंह के लिए नहीं आया हूं, अभय सिंह ने जो कदम मजबूत उठाया है ऐसा हिंदुस्तान के एक एमएलए ने कहा है 4000 विधायकों में से, इसलिए दोबारा हरियाणा की विधानसभा में ये कहने वाला नहीं है कि एमएलए गया, कोई एमएलए नहीं है। दोस्तों हम क्यों चले गए, पास में लगता हरियाणा तब, या फिर हमें किसी बावड़े कुत्ते ने थोड़ी काट रखा, हम डरे क्यों नहीं जाते वक्त, बाकी लोग क्यों नहीं आए। हम इसलिए नहीं डरे कि मोदी और अमित शाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक ये देश का लोकतंत्र है। मैंने एफिडेविट जमा करा दिया, 500 रुपए के स्टाम्प पर लिख के दे दिया, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मेरे पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज कर ले। हाँ किराया बढ़ाया सुता रहा प्रोग्राम करे व्यंजन को तो जरूर मेरे पर मुकदमो कर दिया होगा, क्या बड़ा बलवान बोनिए बिना परमिशन है जल सो ठोक दिए। अब यार की बताऊ मैं पर माई करे मेरे जल सो तो रोज करूँ बावड़ो आदमी जलसा करे मेरा मेरू रह जाएगी। खैर चुनाव आयोग जोर भी मार रहे हो आपको, आपनो डीजे बाजे तो देवगुटियों पकड़ लिया मैं बीजेपी बाजे रखी गए। अब आप बोला आदमी आपको शिकायत को तो काम तब बने डीजे सारे दिन बजाओ शिकायत को करा दो अपना आपको थमे नहीं बजाई बिना, लेकिन बड़े हो को नहीं करना चुनाव लड़नो है। गांव के गरीब ने आप बताना तेरह पैरोकार बलवान को नहीं हो, 5 साल में जगह गरीब को राशन को गेहूं अंत तो मैं बोल दाणों को गांड दी, 5 साल में जो गरीब इलाज के बिना तड़प के मर जाएगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसी जोरदार योजना ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बहु लाख लोगों को फायदा मिले और गरीब ने अटेंशन को नहीं कि बीमार होगी इलाज कुछ हुआ हो आज योजना जब चल रही है जो बलवान को नहीं मिले और सरकार बचेगी तो गरीब सब योजना धराशायी। 118 स्कूल बंद करे थे मोदी जी के उसके वसुंधरा जी के राज में बाबूजी ने अकेले बाजरा, आज हमने 4 स्कूल कर्म उन्नत करे, आज हमने 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, आज हमने 9 उनके खोले बंद करे स्कूल वापस खोले। ये अभी रानी तेलिया के खेल जी ने माला डाली है, छोटी सी रानी है 30-35 घर स्कूल कर्मोन्नत कर दिया इनका, ये जल की पाइप पहुंचा दी,
3.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, डेढ़ किलोमीटर। ये डुगरवा से सीधा खेत आज सामियों की ढाणी है, सीधी 90 डिग्री इतो ही तो कर रहो क्या खेत में रोटी बढ़ती हुई सो जो रोजगार पैदल जान को तो धर्म सोई को नहीं हो डुबाई बड़ी दुख पाई है ऐ तो बड़ी तो ताई और तो बुढ़ी होगी ऐसा खपा खपा मगर साल की जान बुढ़ा रह गया आप सड़क बना दी था यार हो जाए आज सड़क का देखा लग गया मैं सड़क पे बाबू तो वोट मांग लियो तो मैं झंडो के लगा लिया वोट लो अपा जी देगा बड़े चालों को मशीन दिखेगी जब बलवान पुनी और धरती थोड़ो दिखे वो कि जे बेटे बापू एमएलए ना हो तो कदा सड़क दोस्तों मैं तो बात कहनी चाहूं हरा टाबर जगह 2004 के बाद में नौकरी लग गया बाकी पुरानी पेंशन आप शुरू कर करिए आप आवाज उठाई और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन शुरू कर करिए अब आप मैं कहना चाहूं कापा गांव गांव गली गली में कोई आदमी रहे किसान कोई रहे मजदूर कोई रहे छात्र कोई रहे नौजवान कोई महिला कोई कर्मचारी अब सब की आवाज विधानसभा में बढ़िया उसके कहे आदमी हो खुद को काम ना हो थोड़ो हो या खुद को स्वार्थ के वो पूर्ण नहीं कर पाया होगा लेकिन इस तस्वीर को मैंने नई रंगत दी है इस तस्वीर में की बार चुनाव पर बहस इस बात पर चल रही है कि भगवान को नहीं सीधा मिलता है नहीं या तू सीधा मिला ना 10 साल आप स्वीकार करो नीचे कलारे 10 साल नहीं बाबू जी घूमे क्या बाबू जी स्वीकार करे कलारे 10 साल तो मनका मिले करता अब कह नहीं सीधा मिला ना हो नहीं चका है अच्छा के लिए बीच करो 25 तारीख बाद मावे देख लीजिए दोस्तों मैं बात कहनी चाहूं खेत खलियान के उपाय के रूप में खाड़ा बनाने को काम आपा करे अनेरा तोड़ दोबारा बनाने खातर करोड़ों रुपया आपा स्वीकृत करे पेयजल का घर घर कनेक्शन खातर आप करोड़ों रुपए स्वीकृत कर कार्य योजना शुरू कर दी नींव लगा दी काम चलने लग रहे हैं 2-3 साल मन्ने भी मेरो रिकॉर्ड तोड़ता जो रहा हो इतो बजट में 5 साल में स्वीकृत कराया सारे साथी कहना चाहूं सारे डूंगरवास के लोग कहना चाहूं लुगाइया कहना चाहूं खेत को पार्टी को पौधो पाड़ो गहु तहसील का फायदो हुए कामरेड शोकपत जी कह के गया 2005 के जिला परिषद के चुनाव में आया मेरे जोगीवाड़ा में सभा करे बड़ा राणो राण गांव सामने बैठे हो और मैं बोलिया गया ये पौधा लगा के जा रहा हूं बाजरा में और ये फल देगा मैंने जोगीवाड़ा को एग्रीकल्चर कॉलेज दिया जोगीवाड़ा के बस स्टैंड पर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पीजी चलाई जाती है जिस दिन 5,000 विद्यार्थी रहेंगे उसमें से 2,500 जोगीवाड़ा में रहेंगे घर घर में आय का साधन हो जाएगा जिस घर में 2 कमरे बने हुए 1 कमरे में बच्चे पढ़ने वाले रहेंगे तो महीने के 5,000 रूपये लेने वाले हो जाएंगे लोगों का आवक जावक होगी जहाँ लोग बढ़ेंगे वहां व्यापार बढ़ेगा वहां दुकानें बढ़ेंगी वहां खरीदारी बढ़ेगी वहां सारी खुशहाली आएगी ये सारी खुशहाली जनता मैंने पूरे गोगा मंडी के चारों तरफ सड़कें हवा में नहीं बनाई मैं काम को राज्य करना है सड़क बना दी नो गोगा मंडी से दुतरीवा कनेक्टिविटी मैंने यू ही नहीं करी आज कह रहा हूं अगले चुनाव में जब अपने जलसे में बोल लेंगे तो आप ये कहोगे कि काम रेट लेट हो गया वो जो ट्रांस लाना बीच में होटलियो बढ़ तुम गया थे बड़े हो गए मतलब सुनी जी का बाघ लाडियन है जी बाघ एक मेरी के चारों तरफ
सड़क बनाने को मतलब है सारा गांव डेवलप हो गया क्या मेड़ी के छात का पारा गांव है अभी तो मुंसरी मुंसरी लस्सी आई करती मैं को डीप रहा हूँ लस्सी गाल के कैन भर के लिया सात किलोमीटर दूर बचे डीप रहा हूँ साढ़े सात गोगा मेड़ी हूँ और मैं तो सात किलोमीटर दो मैं यहाँ एक रह देखे गाड़ी को छोड़ दो सात रोहन को ही दिखे खुदलवा ये विकास की चीज है ये हमने करे मैं तो आप सब साथियों से कहना चाहता हूं बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव में लगो भाई डूंगरवास से कभी मारा नहीं हूं अब की बार भी मजबूती से आगे बढ़ाओ हो सकता है कि आप सारे साथी जोरदार लगो छत्तीस बिरादरी के लोगों ने मेरे मालाएं डाली है तो इस गांव से 80% मोटिया बने हुआ है आपको दोस्तों राजनीति के दो लक्ष्य होते हैं एक तो ये कि हम एमएलए चुनेंगे तहसील के विकास का काम करेगा जनता की सही बात सुनेगा और सीधा सुनेगा जो हमने करके दिखाया है एक एमएलए ये मेरे से कुछ लोग नाराज हो गए इसलिए नाराज हो गए मैं कह नाराज हो गए मैं कह घो ही मान सम्मान करे बोले मान सम्मान हो गए ना सम्मान दियो तो मुसलमान तो भाई जी मेरा भी मुझे बढ़ाए अरे यार तहसील कॉलेज की पैसी ही तहसील का चौथा गांव गिरनी यहाँ तहसील के उप तहसील चाहिए तहसील ने उप जिला अस्पताल चाहिए हो तहसील की सड़क टूटी नहीं तहसील में पेयजल का घर घर कनेक्शन का काम बहुत बाकी है तहसील में हजारों करोड़ रुपया का बजट की जरूरत थी मैं जब थारो मारो सामान बनाने लग जा तो नहीं दुग्गी बन मिला जब कलाकार एमएलए साहब वेट करिए अब एमएलए साहब की जाना पर्ची हर के कोई कह दे के मनुवान पुनियो एड हो तो पहली बुला लो पहली बुला के निपटार भेजो हो हाँ वो काम पहली करो मेरे को बड़ी प्राथमिकता मिली है साहब आप सोच नहीं सकते इतनी इज्जत मिली सी ईमानदारी हर किसी में मैसेज था जब सरकार होटल में गई मैं नहीं गया मैं सेक्रेटरियट में घूमता था हर कोई अफसर खड़ा होकर सम्मान करता कि साहब थे बा रही हो मैं तो शेर के झुंड में थोड़ी रह गई शेरा टोड़ देकर देखे दो दो तीन तीन घंटा हिटाई मारता लोग अठे दुआनो को नहीं हो बठे सगा बापू बनवा लिया आन जाना हेर मेले बटन रोनो भी सी लागती दोस्तों मैंने साबित कराया कि मैं गरीब नहीं गरीब घर से हूं गरीब मैं दिल का अमीर मैं दिमाग का अमीर क्लियर करूं करोड़ इसलिए हजारों करोड़ रुपए और मैंने इस तहसील की गरीबी मिटाने का काम कोशिश करी है लोग कह के नेता जीत जाए तो क्या बोरी गे रहे हैं जगह गरीब को गोल दानों को खड़ दियो बेटी बोरी जगह कुचिया पाड़ दे करता बाढ़ रोक दिया एक दूसरी बात जगह बागड़ को आदमी मैं नाम लियो तो सुनो बोला गया सुनो बोला गया बांधिए आए कर तो काम मेरे 3 बजे बस है कुड़की आ रही है रुकवा साल साल कदे बैंक कदे तहसील रोज ही कुड़की रुकानी चैन की मसीब जाइए 5 साल गुजरो कोई बैंक हो ऐसा कुछ मर गया तेरी जमीन कुड़क हो जाएगी तेरी फलानी कुड़क हो जाएगी मैं को करोड़ों रुपया भी मुआवजे देना मैं को 5 साल झटका उड़ दे दूंगा जो मैंने जिता के पच्चीस तारीख में थे तो क्या वोट है 2 बजे तो बूथ छोड़ के बचेगा आज पूछा 2 बजे बूथ छोड़ के बचेगा ये ना थोड़ी देर बाजी फिर उड़ू बेईमान बोलता हम एक देखे रहे कामरेड इतना बड़ी मार्ग चुनाव अडेड़ो चुनाव कामरेड बोला ही हुए
दो बजे नचन आ गया, वही जीत गए वही जीत गए वही जीत गए, 1100 वोट मार गया। मैं फर्जी वोट गिर गया, आपका हाथ का गिरा लिया, आपका गोरखुमगिरी जीत गया, कोई रेख उतरे है कोई रेख उतरे को बाकी स्कूल का नाश्ता ही रह गया। बोले कभी पूछोगे ओ वोट के नु पाया, ओ यार वो वोट को पाए नहीं, वोट तो हैदराम नु पाना नहीं पाई ना, हूं पाइए कहता के कैसे वो लगा बड़ा ताफड़ा तोड़ेगा थाने में के बताऊ, बड़ा कड़पड़ाता भी रे, ऐसी कड़पड़ाहट नहीं देखी। मैं कहा छोटे बाखड़ा गेड़ो जगह खेता हूँ गेड़ा भगवान ना पर बेटा आप झंडा लगा दिया बंगल का मेरा आ रहा था दल से बगैर जो गरीबी से भी उधर दुकान खड़े हो फिर मैं लाऊ के मैं लगा गया तो सारे मेरे का मेरे माला कर दे भाई सगे नास्ती मेरी बाबड़ी और कह के दो दिन हाथ नहीं वासी लिया आतर के है। एक तो दीप लाने प्रोग्राम एक है रामगढ़ प्रोग्राम, फिर पशु प्रलजन में दो प्रोग्राम हो रहे हैं, फिर वह हाथ से गाई हम दबदी सी कटे करता नहीं हमारे लिए देखो मैं कहा जो उठा लेंगे कामरेड ने ठीक है वोट बनवा दी सुना वो बातों करने नहीं, दो दिन बाद आके ना कामरेड ने ठीक भाषण दे भाषण के वोट बनवा नहीं को मारा भाजी अच्छी बात नहीं होती वोट नहीं मारे ये बात थोड़ी सी है। चलो ही बड़ी लगा मैं जमाई सुनो 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 आज वो प्रोग्राम है चक सारा जन सारा आज तो बीजानो है हमें सारे साथ यार पढ़ो जानो है मुझे सारे एकदम सीधे सड़क लगी।